नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयंक शेखर, सेलेक्टेड कैंडिडेट इन फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एंड आप सभी दोस्तों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल सिलेक्शन मेंटर पर, जहां पर हम आप सभी के लिए फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के लिए इंटरव्यू की मतलब मैनेजर की इंटरव्यू की सीरीज लेकर आ रहे हैं। और आज हमारा फोर्थ वीडियो है। जैसा कि मैंने थर्ड वीडियो के कमेंट बॉक्स में क्वेरी देखा था कि एक कैंडिडेट ने पूछा था कि क्या अगर मेरे ग्रेन्स की क्वालिटी ख़राब हो जाए तो क्या मुझे वही MSP मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैंने उसको रिप्लाई भी दिया था कि यस, बिल्कुल वही MSP मिलेगा। बट पता नहीं किसी एक और कैंडिडेट या सब्सक्राइबर ने ये बोल दिया था कि ऐसा नहीं मिलेगा, कि अगर उसकी ग्रेन्स की क्वालिटी ख़राब हो जाए तो शायद उसको ऐसा MSP नहीं मिलेगा, या पता नहीं क्या क्या बोला था। देखो भाई, मेरा सीधा बोलना यही है, जहाँ से आपको सही नॉलेज मिले प्लीज़ आप वहीं से गेन करो। मैं स्टार्टिंग से MSP के बारे में जो बता रहा हूँ बिल्कुल सही बता रहा हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट है, आप फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गोडाउन में चले जाओ, आप फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के रीजनल ऑफिस में चले जाओ, ठीक है, आप उनसे पूछो, आपको वही आंसर मिलेगा जो मैं यहाँ बता रहा हूँ। अरे भैया, मैं किसान हूँ, मैंने कोई भी एक फसल ग्रो किया और मैं हार्वेस्टिंग करने के बाद उसको ले गया, अब उसकी क्वालिटी ख़राब है, तो क्या इसमें मेरी कोई गलती है? हाँ, इसमें कोई मेरा कोई गलती है क्या कि हाँ मेरे गलती के कारण मेरी क्वालिटी ख़राब हो गई? सरकार ने जो MSP एक बार फिक्स कर दिया ना, वो क्वालिटी ख़राब हो या ना हो, भैया मुझे वही MSP मिलेगा। रबी सीज़न की बात करो, खरीफ सीज़न की बात करो, हर एक सीज़न के क्रॉप के लिए MSP फिक्स की जाती है और हर ईयर वो MSP बढ़ता ही रहता है। 5 रुपये बढ़े, 2 रुपये बढ़े, 10 रुपये बढ़े, वो बढ़ता ही रहता है, क्योंकि इससे किसानों को फ़ायदा है। अब कोई कहेगा कि नहीं यार, तुमने क्वालिटी ख़राब कर दिया तो हम तुमको वो MSP नहीं देंगे। अरे यार, ये कहाँ का लॉजिक है भाई? गलत नॉलेज कभी स्प्रेड नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो नॉलेज दे रहा हूँ MSP के बारे में, बिल्कुल सही नॉलेज दे रहा हूँ, ठीक है। इसलिए MSP एक बार फिक्स कर दिया जाए, वही MSP मिलेगा, उसमें कभी भी कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी कि मेरा क्वालिटी ख़राब हो गया ग्रेन का, ठीक है। इसलिए आई थिंक इसके बाद अब कोई भी डाउट MSP पे नहीं होगा, ठीक है। इसलिए नॉलेज सही हो तभी स्प्रेड कीजिए, वरना नहीं कीजिए, बिकॉज इससे हर किसी का नुकसान होगा। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कॉमर्स बैकग्राउंड, आर्ट्स बैकग्राउंड एंड साइंस बैकग्राउंड। एंड आज के बाद जो वीडियो हमारी आएगी उसमें मैं कैडर वाइज नॉलेज देने वाला हूँ कि कैसे किस कैडर में क्या काम होता है। एंड आई थिंक ये हर एक कैंडिडेट को सीखना चाहिए, ये नहीं कि मैं डिपोर्ट कैडर का हूँ तो मैं टेक्निकल वाला क्यों सीखूँ, मैं जनरल वाला क्यों सीखूँ, नहीं। वो आपसे किसी भी कैडर का क्वेश्चन थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं, तो इसलिए हर एक कैडर वालों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर एक कैडर का थोड़ा थोड़ा नॉलेज सीखें। तो क्या है कि कॉमर्स बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो यार वो ये कह सकते हैं कि मेरे अंदर क्या कैपेबिलिटीज़ हैं। मैं अकाउंटिंग प्रॉब्लम डील कर सकता हूँ, ठीक है, उसको सही कर सकता हूँ। मैं किसी भी इंस्टीट्यूट के फंडिंग फ्लो, मैं किसी भी इंस्टीट्यूट के कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इससे रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम को डील कर सकता हूँ। कोई भी फिनांशियल वर्क है, मैं उसके साथ डील कर सकता हूँ। तो इन कैपेबिलिटीज़ होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि मैं फ्यूचर में एक बहुत ही अच्छा मैनेजर साबित हो पाऊँगा। हो गया, और कुछ मत कहना। सेकेंड बात आती है आर्ट्स वालों के लिए। यार देखो, आर्ट्स वालों का कोई भी डायरेक्ट रिलेशन किसी भी कैडर से नहीं है, बट वो ये कह सकते हैं कि सर, आज के मॉडर्न एजुकेशन के हिसाब से हमारी जो पर्सनालिटी है, हमारा जो नॉलेज है वो डेवलप हो चुका है, हमारी अंडरस्टैंडिंग पावर डेवलप हो चुकी है। तो इन कैपेबिलिटीज़ के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि यस, फ्यूचर में कोई भी सिचुएशन आए, कुछ भी आए, हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। अपने डेवलप्ड पर्सनालिटीज़ के कारण हम कोई भी प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। तो यस, एक आर्ट्स बैकग्राउंड होने के नाते भी मैं ये कह सकता हूँ कि मैं बहुत ही यूजफुल साबित हो सकता हूँ एंड मैं बहुत अच्छा मैनेजर बन सकता हूँ। द लास्ट इज साइंस बैकग्राउंड। साइंस बैकग्राउंड के बच्चों का जो नॉलेज स्किल होता है ना, जो लर्निंग स्किल होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। वो किसी भी सिचुएशन को एनालाइज कर सकते हैं, वो किसी भी सिचुएशन का एनालिसिस कर सकते हैं, उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, उसके साथ डील कर सकते हैं, बिकॉज साइंस वाले बच्चों के पास लर्निंग स्किल काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, एनालिटिकल थिंकिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इन कैपेबिलिटीज़ होने के नाते एक साइंस बैकग्राउंड का बच्चा ये कह सकता है कि यस, मैं बहुत अच्छा मैनेजर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में साबित हो सकता हूँ।
ठीक है। तो मैंने आज कॉमर्स बैकग्राउंड कवर कर लिया, आर्ट्स बैकग्राउंड कवर कर लिया एंड साइंस बैकग्राउंड भी कवर कर लिया, एंड MSP को लेके जो भी डाउट था मैंने बता दिया। एंड प्लीज़ कोई भी गलत नॉलेज स्प्रेड नहीं करेगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है यार, गलत नॉलेज मत स्प्रेड करो। हाँ, सही नॉलेज दो, हर किसी के लिए फ़ायदा है। तो आने वाले वीडियो में अब से मैं स्टार्ट करूँगा कि क्या वर्क होता है किसी भी कैडर का। एंड मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हर अलग अलग कैडर वाले बच्चे इस वीडियो को देखें, बिकॉज ऐसा नहीं है कि आपके कैडर से रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हर एक कैडर के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज आपको होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज ये इंटरव्यू में आपके लिए फ़ायदा करेगा, ठीक है। बिकॉज आपको एक ही इन्वायरमेंट में काम करना है, वो अलग अलग कैडर हो उससे कोई मतलब नहीं है, बट इन्वायरमेंट FCI का सेम है, ठीक है। तो आने वाले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कि कैसे किस कैडर का क्या काम होता है, ठीक है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखो और हर एक कैडर के नॉलेज को सीखो, ठीक है। सो अब तक के लिए ये जो भी मैंने बताया है वो क्लियर हो गया होगा, एंड प्लीज़ हाँ, अब से MSP को लेकर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सो इतना तक के लिए मैं समझता हूँ आपके लिए सफिशियंट होगा। सो प्लीज़ इसे समझिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए एंड इस वीडियो को देखिए। सो हैव अ गुड डे एंड बाय।